सूख गए थे। मास्टरी, मैं आपको आलू और अरबी के ऐसे लाजवाब रेसिपी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम अरबी और दो मीडियम साइज के आलू को कुकर में दो से तीन सीटी आने तक अच्छी तरह से उबाल लिया है। फिर आलू और अरबी दोनों को ही मैंने अच्छी तरह से छील कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून रोस्टेड बेसन डालेंगे। आप रोस्टेड बेसन ही डालिए ताकि इसका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा हो। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दीजिए। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम पैन को लो मीडियम फ्लेम में गर्म करेंगे और उसमें 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालकर इसे सेलो फ्राई करेंगे। इसे चलाते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में उतार लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके मसाले को तैयारी के लिए हमने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के ग्रेटेड अनियन, 1 मीडियम साइज के ग्रेटेड टोमेटो, 1/2 इंच ग्रेटेड अदरक, 6 से 7 कलियां लहसुन की जो मैंने ग्रेट किया है और 2 ग्रीन चिली जो कि मैंने फाइनली चॉप किया है। और साथ ही मैंने इसे सूखे मसालों में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला और 1/2 टीस्पून चिली पाउडर लिया। अब हम इस पैन में 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। पहले हम इसमें ग्रेटेड लहसुन डाल देंगे और साथ में ग्रीन चिली भी, थोड़ा सौते करने के बाद अब हम इसमें ग्रेटेड अनियन डाल देंगे। और इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब थोड़ा ये ब्राउन हो जाए उसके बाद ही हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। सॉटे करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ग्रेटेड अदरक डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का कलर आ चुका है। अब हम इसमें ग्रेटेड टोमेटो डाल देंगे। 2 मिनट सॉटे करने के बाद हम इसमें सारे सूखे मसाले को डाल देंगे और सारे सूखे मसालों को इसमें ऐड कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर ही पकाएंगे। सभी मसालों को डालने के बाद इसे ढककर 1 मिनट के लिए हल्के आंच पर पकाएंगे। अब हमारा मसाला तैयार है और अब हम इसमें अपना सैलो फ्राई किया हुआ अरबी और आलू को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से ढककर हल्के आंच पे पकाएंगे ताकि इसकी जो कोटिंग है मसाले की वो उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। हम इसमें ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी और धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम इसे एक सर्विंग बोल में डाल लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि ये कितना लाजवाब लग रहा है।